नमस्कार, मेरा नाम अनीसा है और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। मैंने 10 दिसंबर 2020 को अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने अपना कोई धर्म परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि मेरे पति ने अपना धर्म परिवर्तित किया है और हम दोनों ने एक दूसरे अपनी मर्जी से शादी की है। किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहती थी, पर कुछ कारणों की वजह से अब आना पड़ रहा है। बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि मेरे परिवार वाले अब अपने वीडियो बना बना के कर रहे हैं क्या हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी, ये करवा दी, ये सब झूठ है। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि हमने नया से थाना पुलिस में वहाँ पे बीकानेर में हमने बयान भी दिए एक दूसरे के, मैंने और मैं अपने पति के साथ वहीं से ही रवाना हुई हूँ। किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और बल्कि मैंने एसपी साहिबा को भी अपनी एप्लीकेशन दी है कि हमें खतरा है, क्योंकि मैं हर किसी की धमकी आ रही है, तुम लोगों को मार देंगे, कर देंगे। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको बोलना चाहिए कि आज तक किसी ने शादी की नहीं है क्या? आज तक तो मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, पर आज तक बहुत लोगों ने शादी किया ना, लोग मेरे से हिंदू मुस्लिम बहुत लोगों ने किया, उनका तो तुम कुछ नहीं कर पाए ना। हम बच्चों पर बड़ा तुम रोब जता रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर तुम लोगों की इतनी औकात है ना, तो पहले उनका करो जाके, फिर हम पे आना। हमने तो अभी किया है, पहले इतने साल कहाँ चले गए तुम लोग? गोली मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और बाकी जो लोग हैं कुछ राजनीति कर रहे हैं, वो भले ही राजनीति करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और उनको राजनीति करने के अलावा काम है नहीं। हमारी झूठी राजनीति क्यों करें? हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं वो लोग? हमारा नाम ले लेकर झूठी राजनीति फैला रहे हैं वो, सोशल मीडिया पे हमें गलत नजरिए से दिखा रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है सोशल मीडिया अपने गलत इरादे से बताने का, और वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हमें गलत ही गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी झूठी राजनीति कर रहे हैं। अगर उन लोगों को राजनीति करनी है तो हमारा नाम क्यों यूज़ कर रहे हो? किसी और का नाम यूज़ कर लो, हमारा नाम ही क्यों यूज़ कर रहे हो? आप आज तक किसी ने हिंदू मुस्लिम किसी ने शादी नहीं की अभी तक? हम पे बड़ा रोब जता रहे ये लोग। और बाकी जो लोग हमें धमकी दे रहे हैं ना, तुम्हें ये कर देंगे, गोली मार देंगे, वो कर देंगे, तो धमकी देते रहो। हमें तुम लोगों से कोई डर नहीं लगता, जब तुम लोग उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और तुम किस मुँह से हमें कह रहे हो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे? पहले उन लोगों को कुछ करो। बस आपसे यही अपील है कि इस वीडियो को आगे आगे फैलाओ, हमारी प्लीज मदद करो। बस उन लोगों को बताओ जो हमें धमकी दे रहे हैं और जो झूठी राजनीति फैला रहे हैं ना, ये लव जियाद है, ये लव जियाद कुछ नहीं है। हमने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और परिवार वाले ही झूठी वीडियो बना बना के कर रहे हैं, किसी कोई ज़ोर, हमने एक दूसरे मर्जी से शादी की है। और बाकी ना तो किसी ने किडनेप किया है, ना कुछ और किया है। बस इतना ही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आई हूँ मैं सोशल मीडिया पर। आप ये वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए और हमारी मदद कीजिए। हिंदू समाज में मेरा हाजोन निवन है और रामगन है। मैं जोधपुर जिले रहने वाला हूँ, हरिनाथपुर की जात हूँ और 45-46 साल मैं 8-60 में निवास करूँ और मारो धंधो करूँ। इन वास्ते तो नव यात्रो मामलो हुए बीकानेर में, जिनको मारी पोती के साथ हुए है और आज मारे साथ हुए है, काल दूजे सत्य हो सके कि नहीं सत्य, इन वास्ते आपने निवेदन करूं सब हिंदू समाज में, जाट समाज में, कि मने न्याय देने वास्ते आप इकट्ठे होके और मेरी सहायता करें। नहीं तो मैं जीव को ही बिगड़ो हूं और जीव करनो ही मैंने कही है। यदि 2-3 दिन में यदि मेरे को हो जाए निवेड़ो तो मैं कुछ लाइक हूं, नहीं तो मैं जीव तो कई काम कोई नहीं। इज्जत तुम्हारी वैसे ही चली गई और मैं मेरे सह परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास में कुछ है ही नहीं, तो मैं इस जी के करना ही क्या है। इन वास्ते में आपने वही निवेदन है कि मेरे घर के अंदर घुस के इस मियां ने और जो मेरी बीवी है उसके तो ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में और इसने एक साजिश करके मेरी बच्ची है पोती उसके साथ में लाके और दूसरे मेरे साथ में एक पूजा नहीं करके निर्दोष आदमी था। सुबह त्रिपुर ने एक निर्दोष आदमी था उसके साथ शादी करके उसको फंसा दिया तेज क्षेत्र के अंदर और फिर बाद में कोर्ट से मेरी बच्ची को उठाने की कोशिश की, फिर उठाने लगे मेरी बच्ची को ले गए, इन पे गाड़ी चढ़ाई, सब कुछ किया उन्होंने। अब वो रोज की धमकियां दे रहे, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा हिंदू समाज मरा हुआ है, तुम क्या है, कुछ नहीं हो तुम, क्या तुम्हें जिंदा वैसे ही नहीं रहेंगे, जिंदा रहकर करेंगे क्या? हम तो मर चुके हैं,
लेकिन मैं हिंदू समाज और जाट समाज और सर्व समाज से अपील करता हूँ और साधु संतों से मैं अपील करता हूँ कि आप आए और हमें न्याय दिलाए और इस लव जात के मामले को कैसे भी करके आप उठाए हमें न्याय दिलाए। क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, यहाँ मैं खेती भी करता हूँ, मेरी खेती है वो अकेली है, मैं अकेला आदमी हूँ इस जिले में, टूटी ना हूँ और जाट ना हूँ, मैं साथ में अकेला हूँ वहाँ और मेरी जमीन भी है सब बिकना है वहाँ, तो मेरे पास में कोई भी हत्या भी कर सकता है, आज मेरे को बच्ची को लेकर कल मेरे उनको भी अटैक हो सकता है, अटैक हो गया इसके ऊपर। देखो ये हाथों के अंदर रोड़े दिल्ली हुई है मेरे दोनों हाथों के अंदर, ये कमर के अंदर, ये सारी ये पैर फ्रैक्चर है, सब कुछ है, मूवमेंट हुआ है। फिर मैं उस समय हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, तब मैं अकेला था, मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के हर गेट पे 10-10 बंदे खड़े थे, सारे पूरे कोई आके मिल गए थे मेरे से, मैं मजबूर था उस समय, बोल नहीं सकता था, लेकिन अब मैं खड़ा हुआ तो मेरे साथ ये धोखा कर दिया इन्होंने, ये जो मेरे सपोर्ट के अंदर आया उसको निर्दोष आदमी को फंसा दिया इन्होंने। मैं सत्रता को इंतजार करूँ, सत्रता मैंने सरकार प्रशासन हिंदू समाज में जाट समाज मारो सहयोग कर मैंने न्याय दिलाओ, नहीं न्याय दिलाओ तो मेरे जीव तो हूँ को से बिगड़ो हूँ कुछ नहीं मांगे पानी पिला सकू मैं पिला सकू आप वरना मार कर कई वर्ष आदमी है जाट समाज में बड़ा बेटा पूरा परिवार इंतजार करना हमारा जड़ी मारी हल्का हो जड़ी बेचारी बिचड़ी का बेटा ला था आओ मन सहयोग करो सहयोग नहीं करो तो मैं देख लिया हूँ 17 तारीख तक देख लिया हूँ हिंदू समाज मारो पेड़ो गावे नहीं आयो तो मैं सोच रहा मेरे हिंदू समाज में जन्म लेने गुना हो मां पिता हूँ आओ जितना आ सको आओ। जी डूडी है उनकी उनके घर का मामला है और मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, सबसे कहना भी चाह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बहन बेटी घर की इज्जत होती है, बहन बेटी घर की इज्जत होती है चाहे वो हिंदुओं की हो और चाहे मुसलमानों की। अगर किसी भी मुसलमान को कोई मुल्ला मौलवी ये बोल के बरगला रहा है कि तुम्हें लव जिहाद करना चाहिए, तो एक बात उसको याद रखनी चाहिए कि उसके घर में अगर बहन बेटी है और अगर यही काम हिंदू का चालू हो गया करना इसी तरीके का जैसे अब बरगलाए हुए कुछ मुसलमान युवक कर रहे हैं पूरे देश में, तुम्हारी बहन बेटी बुर्का पहन के निकलती अगर वो किसी के साथ भागेगी तो कैसा लगेगा भाई? अच्छा लगेगा? इज्जत सबकी बराबर होती है, किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, घर की महिलाएं हर एक परिवार की इज्जत होती है और अगर कोई बुरके वाली की इज्जत उछाली जाए या घूंघट वाली की, उस घर पे क्या बीतेगी उस घर वालों को मालूम चलेगा। उस लड़के को अच्छा लग रहा होगा जो उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया, केवल मात्र 18 साल की पूरी हुई है, उसकी इतनी सोच नहीं है जितनी वो लिख रही है कि मैं बालिक हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। एक मुख्तियार नाम का छोरा है जिसका बाप का नाम है मुन्ने खां और ये कोलायत के बीठनोक का गाँव का रहने वाला है। अरे मुन्ने खां एक बात बता, तेरा बेटा भगा के ले गया किसी की लड़की को, उसका दादा उसका बाप सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी के पिताजी ये बुजुर्ग आदमी है, मुझे पढ़े लिखे आदमी लगे, बुजुर्ग लगे, और लोग बोल रहे हो जाटों की बेटी है वो है, अरे जाट की हो चाहे मेघवाल की हो चाहे राजपूत की हो चाहे मियों की हो, बेटी सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो एक दादा और एक बाप एक वीडियो निकाल रहे हैं कि अगर 17 तारीख तक हमारी बेटी हमें वापस नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूं और उनके पिताजी को भी मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं जाति से क्षत्रिय हूं, ये मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है भगवान के घर पर कि मैं मुझे क्षत्रिय के घर पर जन्म दो, पर मैं जाति से क्षत्रिय हूं इस बात का मुझे गर्व है। अगर मैं जाट होता या मैं ब्राह्मण होता चाहे मैं मेघवाल होता तब भी मुझे गर्व ही होता। और मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ सत्यनारायण जी आपके और आपके पिताजी को भी कि आपको कहीं मरने की जरूरत नहीं है, कोई मरेगा खुद के आग लगाएगा तो वो अगला लगाएगा खुद के, आपको मरने की जलने की कहीं जरूरत नहीं है, आपके भाई आपके बेटे अभी जिंदा हैं। ये महिपाल सिंह इसकी करनी सेना, मैं हर एक उस हिंदू के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है, मैं मुसलमान के साथ भी खड़े होने को तैयार हूँ अगर उसके साथ बशर्ते गलत हो रहा हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, पर इस तरीके का कोई भी मुसलमान
आता ताई, कोई भी विधर्मी अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी मुसलमानों को भी बोलना चाह रहा हूं, अगर अच्छे जो कोई है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारी बहन बेटी को इसी तरीके से भगा के लेके जाने लग गए हिंदू, तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ? इसलिए इस तरीके के ये नीच हथकंडे बंद करो। और ये मुन्नू खां को मैं बोलना चाह रहा हूं, तेरी बेटी को अब कोई हिंदू भगा के ले जाए तो तू किस तरीके का फील करेगा ये बता। अपने इस राज्य में अपने साथ ये हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे ये राज्य सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। अरे भैया, सबकी इज्जत है, अपने अपने धर्मों में शादी करें, अपने अपने समाज में शादी करें। हर कोई चाहता है, हर कोई बाप चाहता है कि मेरे ही समाज की अच्छे घर में मेरी बच्ची की शादी, भी नहीं चाहता कि उनकी लड़की कोई दूसरे समाज में जाके शादी करे। तो मैं आपको पूरे देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूं, जो भी कोई विधर्मी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, किसी भी जाति बिरादरी की महिला को कोई दूसरी जाति का व्यक्ति लेके जा रहा है, वो लव जिहाद ही है मेरे नजर में तो। और ऐसे लोगों को जूते मारो, ठोको, और हो सके तो सालों का ऐसा हाल करो कि आने वाले कई पुश्तों तक उस बात होती है धंधे से चालू। सत्यनारायण और मुन्ने खां शायद काफी वायरल हो चुका है। विमला पुत्री रामेश्वर लाल RD 860 और मुन्ने खां के बीच लिव इन रिलेशनशिप जो 2018 में, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि हम 15 साल से आपस में साथ रह रहे हैं, शायद दोनों को भरोसा नहीं था एक दूसरे पे, क्योंकि इनका बिजनेस एक अलग टाइप का था। मस्ती मारने के मूड में जब लोगों को ठगा जाता है तो लालच भी दिया जाता है। मुन्ने खां द्वारा जो दमामी है, हाल ही में सांखला फाटे पर विमला और स्वयं के नाम से एक होटल 40 लाख रुपए में खरीदा गया। जब यह होटल खरीदा गया तब मुक्ता प्रसाद में जो सत्यनारायण की पत्नी के नाम से जो लिव इन रिलेशनशिप मुन्ने खां के साथ रह रही थी, उसके नाम से जो मकान खरीदा गया वो बेच दिया गया था। उसके बाद 40 लाख रुपए का एक होटल कोलायत सांखला फाटे पर खरीदा गया जो दोनों के नाम से है। अब हमारे युवा उत्साही और कुछ जिनका बिजनेस है इस प्रकार की बातें उड़ाना, जो इसको लहू जिहाद का चोला पहनाना चाहते हैं। मैंने कल बात कही थी कि एक तो एक्सीडेंटली हो जाता है और एक स्वयं द्वारा कारित किया गया कृत्य अपराध होता है। जब आज मैं अंदर तक गया, मैंने फोटोएं इकट्ठी की, वो शादी 2019 में हो चुकी थी। तब ये लोग आपस में सहमत थे और शादी हुई है। शादी की फोटोएं अगर देखें तो वो घर सत्यनारायण डूडी का था।
दोनों ने आशीर्वाद दिया। छोटा घर में प्रोग्राम रखा गया और जब ये बालिक हुए तब हाल ही में इनको अटेस्टेड करवाया गया तथा नगर निगम से, जिसमें बंगला नगर विवाहिक स्थल बताया गया है, प्रमाण पत्र भी लिया गया। बेटियों, हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का मुद्दा हो रहा है, मैं उस पर आपको कुछ चीजें अवगत करवाना चाहती हूँ, एकजुटता का आह्वान करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि इस समय जुड़े हुए साथी ये ना देखें कि मैं राजपूत हूँ कि जाट हूँ कि बिश्नोई हूँ कि ब्राह्मण हूँ कि मैं क्या हूँ। आपका एक ही दायित्व बनता है कि आप सिर्फ एक हिंदू हैं और एक हिंदू होने के नाते आप इस लाइव में मुझसे जुड़े हैं और अपनी बहन बेटी के आबरू के लिए मुझसे जुड़े हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। आज ये हरिराम जी डूडी बिटनो कोलायत से हैं, उनकी पोती के साथ या उनकी बच्ची के साथ हुआ है, कल को भगवान ना करे ऐसी कोई घटना किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। वो जाट समाज से हो सकता है, बिश्नोई समाज से हो सकता है, ब्राह्मण समाज से हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। इसलिए अब हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंदुत्व की तलवारें मजबूत करें, अपनी बहन बेटियों को वो संस्कार दें, उनको वो चीजें बतलाएं कि ये किस तरह से लव जिहाद के मैटर में हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ किस प्रकार की यातनाएं करते हैं। चार दिन बाद आपको सड़कों पर छोड़ देते हैं, आपको दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं, पहले सबसे पहले जितने भी साथी हैं सभी हिंदू संगठनों में, सभी हिंदू संस्थाओं में, सभी हिंदू ग्रुपों में ये लाइव शेयर कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा। मैं सभी दर्शकों को पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आज का लाइव का माध्यम किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने की नहीं है, मैं संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कर रही हूं। मैं ये लाइव शेयर कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा। मैं सभी दर्शकों को पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आज का लाइव का माध्यम किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने की नहीं है, मैं संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कर रही हूं। मैं संवैधानिक तरीके से बिना किसी हिंसा, बिना किसी उपद्रव के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूकता के लिए लाइव, तब आप बोलेंगे। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि हम जिहादियों पर ये कर देंगे, हम जिहादियों पर वो कर देंगे, करते तो आप कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, जितने भी हिंदू भाई जुड़े हैं, अगर आप लोग पहुंचा सकते हैं मेरी ये बात मुख्यमंत्री तक और माननीय मोदी जी तक, गजेंद्र सिंह जी शेखावत सर और बीकानेर के, नागौर के जो भी चुने हुए